चाणकपुरी में महिलाओं ने नारी सम्मान को ठेस पहुंचाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। महिलाओं ने एकजुट होकर भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पूर्व सीएम कमलनाथ के फोटो को लेडीज चप्पलों की माला पहनाई। महिलाओं ने कमलनाथ के पुतले की पहले जमकर चप्पलों से पिटाई की, जिसके बाद पुतले को आग लगा दी। महिलाओं ने कांग्रेस नेता की बदजुबानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनीता राठौर ने कहा कि महिलाओं का अपमान हम महिलाएं सहन नहीं करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का असली चेहरा सामने ला दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री पूर्व मंत्री इमरती देवी पर उनके द्वारा की गई असली टिप्पणी ने संपूर्ण महिलाओं को शर्मसार कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष सन्नी सरदार ने कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी इंदिरा गांधी का सम्मान नहीं किया, सिखों का अपमान किया, उनसे महिलाओं के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम उनका विरोध करते हैं, उन्होंने महिला का अपमान किया है और एक आइटम बोला कि उनकी माँ बहने नहीं है क्या कमलनाथ जी। उनने एक महिला का बहुत ही मतलब उसका कोई नाम नहीं दे सकते, इतनी मतलब उनने गंदी भाषा बोली और बहुत मतलब उसकी बेइज्जती, क्या मतलब अपमान है। उनको माफी भी मांगेंगे तो उनको माफी भी नहीं दी जाएगी, लेकिन वो खुद पूरी मंत्री होके आज एक महिला को ऐसा बोल रहा है, गंदी भाषा यूज कर रहे हैं, है ना। आज उनकी बेटी के या किसी के बारे में ऐसी भाषा यूज करे तो उनको कैसा लगेगा। उनने ना अभी नौरते का टाइम चल रहा है और माता जी का टाइम है और महिला का अपमान किया है, इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए महिलाओं से। हिस्से के लायक है वो चप्पल के लायक। ऐसी भाषाओं का विरोध हम उनको बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। वही महिला उनकी कैबिनेट मंत्री रही है और उनके समय में और आज भी थी, उनकी सरकार के समय थी, सत्ता के समय थी, और आज जब वो भाजपा में आ गई हैं तो उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं। और उनकी जो हाई कमान है वो सोनिया गांधी है, वो भी एक महिला है, उन्हें सोचना चाहिए बोलने के पहले। जब वो मंच पर बोल रहे थे तो उनके साइड में खड़ी एक उनकी कांग्रेस नेता, उन्हें अपना मुंह छुपाना पड़ा। जैसे उन्होंने आइटम शब्द का उपयोग किया, उस नेत्री ने अपना मुंह छुपाया, तो उन्हें बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। और वो किसके विषय में बोल रहे थे वो बताएंगे जरा क्या किया। आज इसके विरोध में हमने पुतला दहन किया है कमलनाथ जी का, उन्हें माला पहनाई है और उन्हें जूते भी मारे हैं। और ऐसी भाषा का जो भी व्यक्ति उपयोग करेगा उसे महिला मोर्चा की तरफ से ऐसा ही उत्तर दिया जाएगा। उनके विषय में कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैं टीवी में देखा है कि उनका जो अपमान उनके मुख्यमंत्री काल में कमलनाथ जी के उनने अपमान किया है, उसी पर उनको बैठने नहीं दिया जाता था। आज वो न्यूज चैनल पर बहुत रो रही थी और साथ में उन्होंने जो टिप्पणी की है अभी, उसके लिए भी हम पूरी महिला मंडल उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मुझसे ये कड़वे शब्द कहे हैं, और मैं किसी भी नारी का इस तरीके से अपमान नहीं सह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ इन्हें जूते और चप्पलों से इस तरीके से इनका अपमानित किया जाए कि कभी ना किसी ने किया है ना कभी कर पाएंगे। और कुछ नहीं, मेरा कहना यही है कि कमलनाथ जी को अगर कोई बुद्धि दे और उनसे कोई बोले तो उनको इस बात का समझ में आए, जिसने भी उन्हें गाइडलाइन दी है या जिस माँ ने उन्हें शिक्षा दी है, उन्हें पढ़ाया है, शायद उन्होंने अपने संस्कारों में नारियों के लिए यही लिखा है, इसलिए वो यही बोलते हैं और यही बोलते आएंगे। यही उन्होंने सिखों के टाइम करा था, यही जब देश के ऊपर कोई बात आती है तो वो यही करते हैं। ये उनकी भाषा नहीं है, ये सोनिया गांधी की भाषा है, ये कांग्रेस की भाषा है, तो वो महिलाओं के लिए कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। जहाँ सोनिया गांधी का सम्मान नहीं है, जहाँ इंदिरा जी का सम्मान नहीं हो पाया, वहाँ ये क्या सम्मान करेंगे। इसलिए कमलनाथ जी 10 बार 100 बार ये सोचिए कि अब आप देश बदल चुका है, अब ये कांग्रेस नीति देश नहीं बचा, ये बीजेपी का बचा है, ये भारतीय जनता पार्टी का देश हो गया है। अब यहाँ पे हमेशा फूल खिलेंगे और यहाँ हमेशा वही होगा जो सत्य होगा, नारी का अपमान नहीं सहा जाएगा। आज मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ एक तरफ तो आप बलात्कार करते हो, उनको राजरेप करते हो, उन लोगों के साथ गलत करते हो, और दूसरी तरफ आप उनसे अपनी बहन बेटी बोल के उनके माथे पे तिलक लगाते हो, उनके पैर पूछते हो। शर्म करो, शर्म में सब कुछ है, बाकी तो आप बेशर्म हो, आप कभी सुधरोगे नहीं।